मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एफआई टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा इन फ्रंट ऑफ मिथिला मेनोट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में, बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा, एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड, 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, इस वक्त पिछले 20 अक्टूबर को लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के खाजा सराय मोहल्ले में दरभंगा नगर निगम की पूर्व पार्षद और जानी मानी महिला नेत्री रीता सिंह पर दिन दहाड़े हुए जानलेवा हमले से सनसनी मच गई थी। इस घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए 1 सप्ताह के अंदर इसका सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर आरोपी विधि विरुद्ध बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थापित कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया है कि घटना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, साथ ही टेक्निकल टीम की मदद ली गई। घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि उक्त विधि विरुद्ध बालक ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी मां के फोन पे अकाउंट से 1,00,000 रुपए अपने दोस्त के अकाउंट पर ट्रांसफर किया था, पर इसकी जानकारी मिल जाने पर माता पिता द्वारा उसे डांट डपट किया गया था। माँ बाप के डर से विधि विरुद्ध बालक स्कूल से ही भाग गया और घटना के दिन चोरी की नीयत से रीता सिंह के घर में घुसा था वह, पर श्रीमती सिंह ने उसे देख लिया और उसका विरोध किया। विरोध करने पर विधि विरुद्ध बालक द्वारा चाकू मार को उन्हें घायल कर दिया गया और वह लड़का फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने यह जानकारी दी है और कहा है कि 1 सप्ताह से भी कम समय में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस का दावा है कि चोरी का विरोध करने पर दरभंगा नगर निगम के पूर्व पार्षद और जानी मानी महिला नेत्री रीता सिंह पर हुआ था जानलेवा हमला। लोन डाना का असर, 19 जेलों में अलर्ट जारी, मुंगेर में गंगा में नाव चलाने पर रोक, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना, सबों को सावधान रहने की सलाह। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन डाना ओडिशा के तट से रात करीब 12:30 बजे टकराया है। सुबह तक इसका लैंडफॉल हुआ, तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कटिहार, भागलपुर, किशनगंज समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मुंगेर में गुरुवार की रात बारिश हुई है, आज सुबह भी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। साइक्लोन के अलर्ट के बाद मुंगेर में 25 अक्टूबर को गंगा में नाव चलाने पर रोक लगाई गई है। बिहार आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के सीओ को लेटर जारी किया है। वहीं नालंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंगेर और पूर्णिया में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पटना, नालंदा और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार की शाम किशनगंज में तेज बारिश हुई, भागलपुर और बांका में तेज हवा चली। 26 अक्टूबर को प्रदेश के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार के इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है, जिनमें पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में बारिश का अलर्ट है। साइक्लोन का असर बिहार के कुछ जिलों में बुधवार रात से ही दिखना शुरू हो गया था। सुपौल, किशनगंज में बुधवार को तेज बारिश हुई, वहीं गुरुवार को दोपहर बाद भी मध्य और दक्षिणी बिहार के कई जिलों में बारिश हुई है। इनमें गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय और भागलपुर भी शामिल है। इसके अलावा बक्सर में भी बारिश हुई है। राजधानी पटना में भी बादल छाए हुए हैं। भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जनसुनवाई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में 25 अक्टूबर को क्रमशः लहेरिया सराय थाना 3, पतोर थाना 2, नगर थाना 1, केवटी थाना 2, हायाघाट थाना 1, सदर थाना 2, बहेड़ा थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 2, सिमरी थाना 2, कमतौल थाना 2, बहादुरपुर थाना 1, सिंगवाड़ा थाना 1, बिशनपुर थाना 1, फेकला थाना 1, कुशेश्वर स्थान थाना 1 कुल 23 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजुरी का भी पक्का इलाज। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, अलल पट्टी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स मब्बी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923120। अब दो नहीं, बस एक मिनट में बनकर तैयार होगा आपका नूडल, वह भी मसाला मैजिक के साथ। 1, 2, 3 वन मिनट नूडल्स, ऑथेंटिक व्हाइट नूडल्स। और यदि बनाने के झंझट से चाहते हैं छुटकारा, तो आपके लिए है रेडी टू ईट 1, 2, 3 बुलेट प्रीमियम नूडल्स। बस पैकेट खोलें और खाएं। किसी भी तरह की जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार DR भवन में प्रो बोनो अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों के बीच एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अध्यक्ष निगरानी एवं मार्गदर्शन समिति रमाकांत ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराती है। इस कार्य में पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ओर विधिक स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है तो साथ ही दूसरी उनके द्वारा जरूरतमंदों को विधिक सेवा प्राधिकार तक लाया जाता है। उन्होंने कहा कि पुनः प्राधिकार पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से उन्हें उचित सलाह और विधिक सेवा उपलब्ध कराती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रो बोनो अधिवक्ता एवं पीएलबी लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु नियम बताए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न छठ पूजा घाटों पर पीएलबी द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर आम जनों को जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक विधिक सेवा के नाम अभियान चलाया है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स अपने अपने घरों में एक दिया विधिक सेवा के नाम जलाकर लोगों को विधिक सेवा के प्रति जागरूक करने का वचन लेंगे। खो खो बालक अंडर 14 खेल प्रतियोगिता 2024 में मुंगेर विजेता एवं दरभंगा उप विजेता। खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो बालक अंडर 14 खेल प्रतियोगिता 2024 के अंतिम दिन नेहरू स्टेडियम लहेरिया सराय का खेल मैदान फाइनल मैच से पहले ही खेल के रंग में रंग गया। दरभंगा एवं मुंगेर के बीच फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों की भी अच्छी उपस्थिति थी। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल के लिए मैच के अंतिम क्षण तक काफी कठिन परिस्थिति रही, क्योंकि फाइनल में मेजबान दरभंगा के खिलाड़ी खेल रहे थे। मैच की समाप्ति पर दोनों पारी के अंकों को मिलाकर एक अंक के अंतर से मुंगेर की टीम बिहार की विजेता टीम बनी, वहीं दरभंगा को उप विजेता से संतोष करना पड़ा। मैच का परिणाम इस प्रकार रहा, मुंगेर 18 दरभंगा 17। मैच की समाप्ति के बाद उप विजेता एवं विजेता जिले को ट्रॉफी मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा श्री परिमल ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए राज्य खेल प्राधिकरण पटना से आए तकनीकी पदाधिकारी को मैच संपन्न कराने की कौशल कला तथा हार जीत के बाद मैदान के अंदर आई उत्तेजना को नियंत्रित करने के ढंग की प्रशंसा की। विजेता तथा उप विजेता टीम को सत्येंद्र प्रसाद उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा और परमल कुमार जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा संयुक्त रूप से कप देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला खेल संघ दरभंगा ने भी प्रतियोगिता की सुंदर व्यवस्था के लिए खिलाड़ियों के उच्च कोटि के प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले समय में इन खिलाड़ियों से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को काफी आशाएं हैं, यह कहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जेवर की दुनिया में दरभंगा का सबसे पुराना प्रतिष्ठान गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय। सोने चांदी और हीरों के जेवर सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% की छूट, जबकि हीरों के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। धनतेरस, दीपावली और छठ पर आकर्षक डिजाइन के साथ एक से बढ़कर एक कलेक्शन बस आपके लिए। ग्लोरियस 39 इयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन आर फ्री। कीलर एक्सक्लूसिव शोरूम गामी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने मशरफ बाजार दरभंगा। जीन्स शर्ट टी शर्ट स्वीट शर्ट उलेन आइटम्स के साथ एसेसरीज 9,999 की खरीद पर 2,000, 5,999 की खरीद पर 1,000 और 3,999 की खरीद पर 500 रुपए की छूट। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा बेड डाइनिंग टेबल आलमीरा लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। डीएम ने आज किया कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। डीएम के जनता दरबार में 55 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा।
जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने आज जनता के दरबार में 55 से अधिक मामलों की सुनवाई की और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराहन से आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। आज 55 से अधिक परिवादी अपने आवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें से कई आवेदनों को ऑन द स्पॉट निष्पादित किया गया। दरभंगा सदर प्रखंड के एक परिवादी अजीत लाल देव द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी सदर द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले से आए हुए परिवादियों से उनकी समस्याओं को सुना और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। समाधान एवं शेष आवेदन को संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादित करने का निर्देश भी दिया। जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। मामलों को शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से भी निर्देश दिए गए।